दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपना ईमेल के जरिए। दोस्तों, आपका जो फोटो है, आधार कार्ड का हो, पैन कार्ड का हो या आपका खुद का हो, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, कुछ फॉर्म जमा करना है, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है, तो उसके लिए पीडीएफ पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इजीली पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं और इसको अपलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका जो इमेज है उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कभी हम सबमिट करते हैं कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी के लिए या फिर कुछ भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड जिसमें भी आपको अपडेट करना होता है, यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि पीडीएफ फाइल अपलोड करिए और एक उसमें साइज़ दिया हुआ रहता है कि इसी का अंदर आपको इसको अपलोड करना है, तो उस साइज़ को आप रिड्यूस कैसे करेंगे। दोस्तों, अभी जैसे आधार कार्ड का हो गया, अभी आधार कार्ड का एक पीडीएफ आप अपलोड करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोनों साइड का फ़ोटो लेके उसको एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एक ऐप मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे आप इजीली कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों प्रोसेस, आप कैसे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऐप आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, प्ले स्टोर पर आप आ जाएंगे, आने के बाद इमेज टू पीडीएफ, पीडीएफ मेकर ऐसा सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऐप आ जाएगा और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिसका पास भी है वो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद ओपन में क्लिक करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो है पीडीएफ में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा हुआ है, बहुत सारा मेरा जो डॉक्यूमेंट है, और आप अगर चाहे तो यहाँ पे जो प्लस आइकन दिख रहा है आपको, ये प्लस आइकन में नीचे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ से फ़ोटो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे देखिए एक दो फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं इम्पोर्ट में क्लिक करूँगा, नीचे इम्पोर्ट में क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल इमेज किस तरीके का चाहिए आप यहाँ में ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल में ही सिलेक्ट रखा हूँ और डन में क्लिक किया हूँ। तो अगर आप चाहे तो एक बार आपको हम बैक जाके दिखा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इम्पोर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ओरिजिनल में ही रखूँगा, ओरिजिनल सबसे बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद आप डन में क्लिक करेंगे, डन में क्लिक करने के बाद आपका सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू पीडीएफ का जो ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है आप यहाँ पे क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इस पर टिक करेंगे तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। जो भी इस पीडीएफ फाइल को ओपन करेगा उससे पासवर्ड पूछा जाएगा, तभी ये पीडीएफ फाइल ओपन कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाऊंगा अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पीडीएफ सेटिंग में जाएंगे, पीडीएफ सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे पोर्टल लैंडस्केप, आपको जो पीडीएफ का जो इनर साइज़ होगा उसको आप किस तरीके का रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाइट मार्जिन आप रख सकते हैं, अगर वाइट में आप चाहते हैं तो आपका जो इमेज है उसका पीछे जो है वाइट मार्जिन रहेगा वो भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप चाहे तो कर सकते हैं, पर जब हम फाइल अपलोड करते हैं कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो इसमें आपको ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सिंपली आपको हमें कन्वर्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल आपका कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे यहाँ से भी अभी जाके जहाँ पे आपका फाइल है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपको अपलोड में जाके डॉक्यूमेंट में जाना है, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये वाला पीडीएफ दिख जाएगा, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे कि ये फाइल में जो ऐप है इसमें आने के बाद हमने जो है इमेज को सेलेक्ट किया है, लेकिन हम डायरेक्ट इमेज में जाके भी इमेज सेलेक्ट करके इसमें एंटर कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। हटा देने के बाद दोस्तों हम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से कोई भी दो फोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारा आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, थोड़ा सा साइड बाई साइड जाएंगे,
उसके बाद देखिए यहाँ पे इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर लिखा हुआ है ऊपर, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो फोटो दोनों यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट बस आपको सिर्फ कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये फोटो देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसको अपलोड कर सकते हैं, रेडी हो चुका है अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं इजीली। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।